डिजाइन वही, ताकत नहीं। लेकिन क्या मेसी फर्ग्यूसन का यह प्रयोग किसान भाइयों का भरोसा जीत पाएगा? आइए जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस ट्रैक्टर के सभी फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और कीमत की जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह डिजाइन मेसी फर्ग्यूसन की पहचान बन चुका है और इसीलिए मेसी फर्ग्यूसन ने फैसला किया है 241 DI को इस डिजाइन के साथ लाने का। 241 DI के पहले से ही 5 वेरिएंट आते हैं और यह इसका 6ठा वेरिएंट है। सबसे पहले इसके लुक की बात करें तो यह क्लासिक लुक में काफी शानदार दिखता है। सुंदर फ्रंट ग्रिल के साथ ही कंपनी फिटेड बम्पर भी दिया गया है। तेज रोशनी और बढ़िया डिजाइन वाली हेडलाइट्स दी गई हैं। इसका फ्रंट एक्सल धनुष के आकार वाला एडजस्टेबल एक्सल है, जिसे अपने काम की जरूरत के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे की तरफ आकर्षक डिजाइन वाले टेल लैंप दिए गए हैं। तेज रोशनी वाली ये लाइट दी गई है जो रात के समय काम करने में काफ़ी उपयोगी होती है। इसके इंजन की बात करें तो इसमें सिम्पसन कंपनी का 3 सिलेंडर और 42 हॉर्स पावर की ताकत वाला इंजन होता है, जो कि मेड इन इंडिया है। इसका इंजन चेन्नई में बनता है। इसकी क्यूबिक क्षमता 2500 cc की दी गई है। इसका एयर फिल्टर 3 स्टेज वाला ऑयल बाथ टाइप का दिया गया है। इनलाइन फ्यूल पंप दिया गया है और कूलिंग के लिए कूलेंट दिया गया है, और इसके बगल में ही रेडिएटर दिया गया है जिसको ढका हुआ है ताकि ये बारिश में भीगे नहीं। अब आपको ले चलते हैं इसकी ड्राइविंग सीट की तरफ। इसकी सीट को बहुत ही आरामदायक बनाया गया है और आपकी सुविधा के हिसाब से इसे आगे पीछे एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसका ट्रांसमिशन स्लाइडिंग मैश टाइप का दिया गया है, जो कि सेंटर शिफ्ट होता है। इसमें 8 गियर आगे के लिए और 2 गियर पीछे के लिए दिए गए हैं। ड्यूअल क्लच दी गई है, जो कि PTO से चलने वाले उपकरणों के लिए बहुत उपयोगी होती है। सील्ड ड्राई डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जिनका कंट्रोल बेहद शानदार होता है और रखरखाव खर्च भी कम आता है। सीट के पास ही यहाँ PTO को चालू व बंद करने के लिए लीवर दिया गया है। हाइड्रोलिक ट्रॉली के लिए यहाँ वाल्व दिया गया है और सीट के पास ही ट्रांसपोर्ट लॉक भी दिया गया है, जिसे अगर आप कोई उपकरण लेकर रोड पर चल रहे हैं तो इसको लॉक कर सकते हैं ताकि वो उपकरण नीचे ना आए। इसकी स्टीयरिंग मैनुअल दी गई है और इसका डैशबोर्ड डिजिटल दिया गया है, जिसमें रात के समय भी सभी संकेत आसानी से देख सकते हैं। यहाँ ये हाथ की रेस दी गई है और इसमें पैर की रेस भी दी गई है। इंडिकेटर्स के लिए ये स्विच दिए गए हैं और ये हेडलाइट्स के लिए। यहाँ हॉर्न दिया गया है और ट्रैक्टर को चालू व बंद करने के लिए यहाँ चाबी का सिस्टम दिया गया है। इसमें मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉइंट दिया गया है। अगर आप लंबे समय तक खेत में ही काम कर रहे हैं तो इसमें लगाकर मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। चालक की सुविधा के हिसाब से सीट के पास ही हैंड ब्रेक दिए गए हैं। कुछ जरूरी जानकारी यहाँ दी गई हैं और कोई समस्या हो तो यहाँ टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं। पहले से बड़ा टूल बॉक्स ड्राइविंग सीट के पास ही दिया गया है और सीट के पीछे ये रिफ्लेक्टर और बोतल होल्डर भी दिया गया है, जिसमें आप 3 लीटर तक की पानी की बोतल रख सकते हैं। इसके PTO सिस्टम की बात करें तो यह लाइव 6 स्प्लाइन वाली शाफ्ट के साथ आती है। यह 1500 जनरेटेड RPM पर 540 RPM की गति से काम करती है। इसकी PTO पावर 27.2 HP की है। इस ट्रैक्टर का डीजल टैंक 47 लीटर का दिया गया है। इसकी हाइड्रोलिक की बात करें तो इसमें 3 पॉइंट लिंकेज ड्राफ्ट पोजीशन एंड रेस्पॉन्स कंट्रोल लिंकेज CAT-1 सिस्टम के साथ आता है। इसकी लिफ्टिंग की क्षमता 1700 किलोग्राम की है, जिससे आप खेती के लिए जरूरी अधिकतर उपकरण आसानी से चला सकते हैं। इसके टायरों की बात करें तो यहाँ कंपनी ने किसान भाइयों की सुविधा के लिए पिछले टायरों में 35-35 किलो के वेट लगाए हैं, जिससे स्लिपेज की समस्या ना हो और टायर लंबे समय तक चले। इसके आगे वाले टायर 6/16 के साइज में और पीछे वाले टायर 12/4/28 के साइज में दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें 13/6/28 के टायर भी ले सकते हैं। अगर गलती से डीजल टैंक में पानी चला जाए तो यहाँ ये वाटर सेपरेटर दिया गया है, जो कि डीजल से पानी को अलग करता है। साथ ही इसमें ये इलेक्ट्रिक सिस्टम दिया गया है, जिससे अगर आप ट्रॉली में ब्रेक लाइट या इंडिकेटर काम में लेते हैं तो इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ढुलाई के काम के लिए ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो उसकी रोड पर चलने की स्पीड काफ़ी मायने रखती है। इस ट्रैक्टर की आगे की तरफ चलने की अधिकतम स्पीड 29.37 किलोमीटर प्रति घंटा की है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इस ट्रैक्टर के वजन और डायमेंशन की बात करें तो इसका कुल वजन 1730 किलोग्राम है, लंबाई 3290 mm की है और चौड़ाई 1660 mm की है।
ऊंचाई 2200 mm है और इसका व्हील बेस 1830 mm का है। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर की कीमत की। इस ट्रैक्टर की कीमत है 6,20,000 रुपये से 6,70,000 रुपये तक। कीमत में अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा अंतर हो सकता है। किसान भाइयों, आपको ये क्लासिक लुक वाला 241 DI कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर किसी और ट्रैक्टर का ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका नाम भी कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी करें। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए घंटे वाले बटन को भी जरूर दबाएं। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।